दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज को स्पॉन्सर बाय निधि सल्स कॉरपोरेशन। सभी प्रकार के फर्नीचर की भरपूर रेंज उपलब्ध। विधान परिषद के विपक्ष नेता अबादास दानवे सोमवार को अकोला जिले के दौरे पर थे। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में जायजा बैठक ली, जिसमें विगत वर्ष से जिले में शालेय पोषण आहार योजना बंद होने से संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इस योजना पर जिला प्रशासन की ओर से अनदेखी किए जाने का आरोप दानवे ने करते हुए तीव्र नाराजगी व्यक्त की। पहले अनाथालयों से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया जो अदालत से होती थी, वो अब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। अकोला की जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने इस बदलाव के बाद पहला दत्तक स्थानांतरण आदेश जारी करने वाली पहली जिलाधिकारी बन गई है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी विलास मार्साले ने जानकारी दी है कि उत्कर्ष शिशु गृह की 4.5 माह की बच्ची को सिंगापुर के माता पिता ने गोद लिया है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमिनाशक दिन मुहिम के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्राथमिक आरोग्य केंद्र उरल में किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद के सीईओ जबकि उद्घाटक के रूप में प्रतिभा भोज ने उपस्थित थी। इस दौरान सीईओ ने कहा कि घर घर कृमिनाशक दवाई पहुंचाने का आह्वान किया। कच्ची खोली सिंधी कैंप परिसर निवासी विक्रम मनोहर लाल दुलानी ने अकोला मनपा के व्यापारी संकुल में स्थित अपनी दुकान में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू सुपारी का संग्रह कर उसकी बिक्री किए जाने की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को मिली, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से 74,490 रुपए का माल जब्त किया गया है। दीपावली उत्सव पर ट्रेन में यात्रियों की काफी भीड़ रहती है, जिसे देखते हुए रेल विभाग ने सिर्फ 4 विशेष यात्री ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। विदर्भ के यात्रियों द्वारा अधिक विशेष ट्रेन चलाने की मांग की जा रही है। अब रेलवे द्वारा आने वाले दिनों में और कई विशेष ट्रेन चलाई जा सकती है। सोमवार को भी निजी बसों पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण शहर यातायात नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई करते हुए 26,000 जुर्माना वसूल किया। वही दूसरी ओर कई वाहन धारक अपने वाहनों को बीच में ही रोकते हैं, आधा तिरछा खड़ा कर यातायात में बाधा डालते हैं, ऐसे वाहन धारकों को भी जुर्माना थोका गया। देश में 1950 और 1960 से पहले बने अर्थात विंटेज वाहनों को अब नए नंबर लेने होंगे। इन वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद नया नंबर दिया जाएगा। नए नंबर एवं पंजीयन के लिए गाड़ी मालिक को 20,000 रुपए देने होंगे। अकोला जिला व सत्र न्यायालय के तत्कालीन मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश यन शिवराज खोबरागिड़े ने मुंबई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की। वे कुछ ही दिनों पहले अकोला से स्थानांतरित होकर औरंगाबाद जिला व सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। न्यायाधीश खोबरागिड़े सहित राज्य के 6 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। व्हाट्सएप पर आ रहे हैं वीडियो फ्रॉड कॉल, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का वीडियो रिकॉर्ड करके उनसे लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ऐसी घटना का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। नागरिक सावधान रहें और कोई भी अननोन व्हाट्सएप वीडियो कॉल ना उठाएं। महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन मुंबई उपनगर बॉक्सिंग संघटना की ओर से 18वीं जूनियर लड़कियों की राज्य अजिंक्य स्पर्धा मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसमें सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री मकरंद देशपांडे के हाथों 48 से 50 वजनगट में श्री सतीश चंद्र भटसर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित क्रीडा प्रबोधनी अकोला की खिलाड़ी घनिषा देवा ने सिल्वर मेडल द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या एप स्टोर से अभी डाउनलोड करें। साथ ही इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।